विधानसभा शुरू। उत्तर प्रदेश की विधानसभा हुई हाईटेक, हर सीट पर लगा टैप। शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में ई विधानसभा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम योगी के साथ मंच पर मौजूद रहे नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी सदन की इस स्वरूप को देखकर हैरान रह गए। पेपरलेस होगी सदन की कार्यवाही। डीसीएम ने मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम पर की छापेमारी। यूपी डीसीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम पर की छापेमारी। छापेमारी में 16.40 करोड़ की एक्सपायर्ड दवाएं मिली। करोड़ की दवाएं अस्पतालों तक पहुंची थी नहीं, दवाएं गोदाम में रखे रखे एक्सपायर्ड हुई। मेडिकल कॉरपोरेशन ने दवाएं अस्पताल को नहीं भेजी। आजम ने कहा, जालिमों ने हमारा चमन उजाड़ दिया। आजम खान की रिहाई की खबर सुनते ही उनके घर के आसपास समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। थके से दिख रहे आजम ने हाथ हिलाकर समर्थकों का पहले अभिवादन स्वीकार किया, फिर संबोधित कर कहा, सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिला है। हमारे हक में कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जो मिसाल है। हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा, जालिमों ने हमारा चमन उजाड़ दिया, लेकिन इसमें फिर बहार आएगी। हम हो न हो, आजम के आने पर सिर्फ आजम जिंदाबाद और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए शोर सुनाई दिया। भारत में ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं सोडा राजपूत। भारत पाकिस्तान सीमा पर उमरकोट, थारपारकर और सांगा क्षेत्र में सोडा राज हिंदू राजपूतों के हजारों परिवार रहते हैं। ये लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से अपने ही समुदाय में ही शादी करते हैं। इसी वजह से भारत के बंटवारे के बाद सोडा समुदाय के लोग अपने बच्चों की शादी की तलाश में भारत आते हैं। कई बार रिश्ता तय नहीं हो पाता तो इन्हें भारत में अधिक समय लग जाता है। अधिक समय तक भारत में रहने पर उन लोगों के द्वारा वीजा की अवधि खत्म होने पर स्थानीय फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से वीजा की तारीख बढ़वाने के बाद भी उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सहित उनकी दूसरी समस्याओं को भी हल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों और कश्मीरी पंडितों सहित सभी कश्मीरियों को सुरक्षित रहने का हक है। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर भी गहरा सकता है विवाद। अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पत्र में उन्होंने जामा मस्जिद को हिंदू राजा का किला और सार्वजनिक संपत्ति बताते हुए जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। केशव ने कहा है कि इसे एक समुदाय द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि आरटीआई में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि यह सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का हक नहीं है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। 34 साल पुराने रोडरेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। सिद्धू से जिस व्यक्ति का झगड़ा हुआ था उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर सिद्धू ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, जहाँ से उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया। स्वतंत्र देव सिंह बने विधान परिषद में नेता सदन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में नेता सदन बने। सीएम योगी के प्रस्ताव पर नेता सदन बने स्वतंत्र देव सिंह पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह बैठेंगे अब स्वतंत्र देव सिंह। DRI और ICG ने लक्षद्वीप में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी। राजस्व खुफिया निदेशालय और भारतीय तटरक्षक बल के सामूहिक अभियान में लक्षद्वीप में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी। दोनों टीमों ने दो जहाजों में संयुक्त रूप से जांच की तो 218 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1526 करोड़ रुपए है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद वाराणसी जिला कोर्ट ट्रांसफर। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग मामले पर स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा, उसके बाद ही इस मामले की SC में सुनवाई होगी।
आकाशीय बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत। बिहार में भीषण गर्मी के बाद आए बारिश और आंधी तूफान ने लोगों को दहशत से भर दिया है। कुछ घंटों की बारिश और आंधी के दौरान 16 जिलों में 33 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से आकस्मिक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार के स्कूल में 23 मई से 14 जून तक रहेगा ग्रीष्म अवकाश। बिहार में स्कूल बंद होने जा रहे हैं। स्कूलों में 23 मई से 14 जून तक गर्मी की छुट्टियां दी जा रही हैं। बच्चों को 21 मई तक स्कूल जाना है और 22 मई को रविवार होने की वजह से छुट्टी है। हालांकि इससे पहले गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल का समय घटा दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नियंत्रण रेखा तथा कश्मीर घाटी के भीतरी क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे कश्मीर घाटी में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और भीतरी इलाकों का दौरा करेंगे। दिशा रेप केस में आरोपियों का फेक एनकाउंटर। हैदराबाद में पशु चिकित्सक दिशा रेप केस में गठित सिरपुरकर कमीशन ने मामले की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में ये संकेत है कि इस रेप केस के चारों आरोपियों का फेक एनकाउंटर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की मांग ठुकराई। 6 दिनों में 2 बार बढ़ा दिल्ली NCR में CNG का रेट। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में फिर बढ़े CNG के रेट। 6 दिन में 2 बार CNG के दाम में 2 रुपए का इजाफा। फिलहाल दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG के लिए ग्राहकों को 75.61 पैसे का करना पड़ रहा है भुगतान। यूपी में BPL कार्ड सरेंडर करने की लगी लाइन। उत्तर प्रदेश में लगी BPL राशन कार्ड निरस्त करवाने की लंबी कतारें। यूपी सरकार ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति BPL राशन कार्ड के लिए पात्रता नहीं रखता है वो 22 मई से पहले अपना BPL राशन कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं तो अब तक जितना राशन लिया है उसकी वसूली की जाएगी। एक ही दिन में यूपी में 1,88,000 राशन कार्ड लोगों ने किए सरेंडर। ब्रिटेन में फैला मंकी पॉक्स वायरस। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण बढ़ा। अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखकर ब्रिटेन सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चेचक के ऐसे टीकों की खरीद की कवायद तेज कर दी है जो कि इस संक्रमण को फैलने से रोक सके। मंकी पॉक्स भी चेचक जैसा ही संक्रमण है। अमेरिका में भयानक तूफान, एक व्यक्ति की मौत, 40 लोग घायल। उत्तरी मिशिगन के गैलोर्ड शहर में शुक्रवार को आए भीषण तूफान में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तूफान में वाहन पलट गए, इमारतों की छतें उड़ गईं, पेड़ों पर बिजली के खंभे उखड़ गए। यह तूफान स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 3:45 पर डेट्रॉइट से तकरीबन 370 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में गैलोर्ड शहर में आया जहाँ पर लगभग 4200 लोगों की आबादी है। स्टॉप रेपिंग अस पुकार या स्टंट। स्टॉप रेपिंग अस चिल्लाते हुए यूक्रेनी झंडे के साथ लाल अंडर पैंट में टॉपलेस महिला ने रेड कार्पेट पर यूक्रेन युद्ध का विरोध करते हुए कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स के कार्यक्रम को कुछ देर के लिए बाधित कर दिया। सुरक्षा कार्डों द्वारा नेतृत्व किए जाने से पहले ही फोटोग्राफरों ने फोटो खींच ली। इस बार 17 मई से 28 मई तक फ्रांस में आयोजित कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स में दुनिया भर से लोग आए हैं। इस मंच पर इस महिला के इस कारनामे को जुर्म के विरुद्ध आर्थ पुकार का नाम दे या स्टंट का। अफ्रीकी देश कांगो में आतंकियों ने 11 आतंकियों की हत्या। अफ्रीकी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य काफी समय से कट्टरपंथी विद्रोही आतंकवादी संगठनों से जूझ रहा है। इतुरी में जमीन की कमी को लेकर हेमा चरवाहे और लेंडू समुदाय के किसानों के बीच कई दशकों से संघर्ष जारी है। इससे पहले आतंकी हमले में 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर आज 21 मई को इतुरी प्रांत के नदुबे गाँव में आतंकियों ने 11 नागरिकों की हत्या कर दी है। अमेरिका ने आतंकवादी सूची से 5 संगठनों के नाम हटाए। अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से 5 आतंकी संगठनों के नाम हटाए जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं। विदेश विभाग के प्रकाशित नोट में अमेरिका ने कहा है कि उसने समूहों की गतिविधियों के संबंध में अनिवार्य 5 साल की समीक्षा के बाद इन संगठनों के नाम सूची से हटा दिए हैं।
भास्कर उग्रवादी समूह, जापानी शिनरिकियो, कट्टरपंथी यहूदी समूह कहाने कच के अलावा दो इस्लामी समूह शामिल हैं जो कि इसराइल फलस्तीनी क्षेत्रों और मिस्र में सक्रिय हैं। हालांकि अलकायदा को सूची में बरकरार रखा गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।